केंद्र सरकार ने किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इस मौके पर किसान तक आपके लिए उनसे जुड़ा एक किस्सा लेकर आया है। ये किस्सा चौधरी चरण सिंह के करीबी रहे एस के राणा ने किसान तक से बातचीत में सुनाया था। सुनिए क्या था वो किस्सा। 85 की बात थी, 84 की जब पार्लियामेंट का चुनाव होने वाला था, तो खान मार्केट में एक मीटिंग हो रही थी। रशीद मसूद साहब हमारी पार्टी के नेता हैं, वो एमपी रहे हैं, उनके वालिद भी एमपी रहे थे, कई बार सीनियर रहे, सहारनपुर के थे। उनकी कोठी पे वो मीटिंग थी, उसमें शरद यादव, केसी त्यागी वो पार्टी में ऑफिशियली मौजूद थे, और अजय सिंह जो बाद में डिप्टी मिनिस्टर रेलवे हो गए थे, हम और वो दोनों उनके इर्द गिर्द वैसे घूमते रहते थे। तो क्या हुआ कि वो टिकट बंटवारे का मामला आया, तो मुलायम सिंह जी लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष थे, राजन सिंह नेता विरोधी दल थे अलीगढ़ से, उनके बराबर में देवीलाल जी बैठे थे मीटिंग में, और चौसाओं के बराबर में बीजू पटनायक बैठे थे, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे पार्टी के, पीलू मोदी महामंत्री थे पार्टी में, हेमती चंद्र बगुणा भी थे, बीपी मोर्रा भी राष्ट्रीय महामंत्री थे। उस लोकदल में जब ये कहा गया कि रजिस्टर से मुलायम सिंह बताओ हर पार्लियामेंट सीट पर कहाँ से कौन कौन लड़ेगा, तो मुलायम सिंह जी रजिस्टर पढ़ रहे थे, तो कहीं तीन कहीं दो नाम छटनी उन्होंने किए थे, उन्होंने 64 घंटे में पूरी ट्रेनिंग ली थी, तो वो पारंगत थे। लेकिन वहाँ से घूमते घूमते जब मथुरा पर आया नंबर, तो मथुरा पर केवल एक नाम उन्होंने पढ़ा, अजीत सिंह। अब जी देख के 64 एकदम हो गए, तिरछी निगाहों से बोले, मुलायम सिंह जी कौन है, जिस आदमी का नाम भी मैं नहीं जानता उसका नाम पार्लियामेंट्री बोर्ड में कैसे आ जाएगा। तो बड़ा मुलायम सिंह सहमे, उनके बराबर राजन सिंह की तरफ इशारा करते हुए उन्हें देवीलाल जी के कान में कुछ कहा। तब देवीलाल जी ने कहा कि यू तुम्हारा चोरो है अजीत सिंह। अब ये कहते ही चरण सिंह का पारा गर्म हो गया, कुर्सी से खड़े हो गए। मुलायम सिंह, मैं तुझसे तो उम्मीद नहीं करता था, तुझने तो मैं सारी ट्रेनिंग मुझसे पाई है, मैं परिवारवाद के खिलाफ नेहरू से लड़ाई लड़ा हूँ, तो मैं अपने आप को परिवारवाद का शिकार बना दूँ, मैं ये पाप नहीं कर सकता, चलिए मीटिंग खत्म। और ये कह के संसदीय बोर्ड से मीटिंग खत्म करके जल्दी उठ गए। अब उनको रोकने की हिम्मत नहीं थी किसी में, जाके गाड़ी में बैठ गए। चौधरी साहब का स्पष्ट मत था इंदिरा जी को राजनीति में लाने पर नेहरू जी के खिलाफ देश में खड़े होने वाले पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे और चरण सिंह थे, दूसरा आदमी कोई बोल नहीं पाया था। उनका स्पष्ट नजरिया था कि राजनीति में परिवारवाद आएगा तो गंदगी पैदा होगी, और देहात से निकलने वाले नए लड़कों, पिछड़े वर्ग के लड़कों, उनको राजनीति में स्थान खत्म हो जाएगा, इसलिए परिवारवाद नहीं आना चाहिए। परिवार के लोग जो संघर्ष करके जनता के बीच से निकल करके आए, उनको राजनीति करने का हक है, लेकिन केवल इसलिए कि वो उनके बेटे हैं या उनके भाई हैं या उनके भतीजे हैं या उनके पति हैं पत्नी हैं, इस ग्राउंड पर किसी को राजनीति में स्थान नहीं मिलना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।